यार, आपको भी याद होगा ना, जब पहली बार ट्रेन से गए थे बचपन में, तो कैसी एक्साइटमेंट होती थी। मतलब इतने एक्साइटेड होते थे यार, ट्रेन से जाएंगे, छुक 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 छुक, ये मतलब सुनते थे हमें ना। और बड़ा मन करता था यार, हम भी ट्रेन से जाएंगे, कैसी होती है ट्रेन, ये वो। तो आज ना पता नहीं कि वो बचपन वाली वाइब आ रही थी ऐसे ना, बचपन वाली वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो हो रही थी यार। वैसे ये ना मेरा फोर्थ टाइम है जो मैं ट्रेन से जा रही हूँ। उससे पहले ये 3 बार गए हैं हम, वैष्णो देवी के लिए गए हैं। मुझे याद है मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी जब हम फर्स्ट टाइम गए थे वैष्णो देवी, और मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना कि यार ट्रेन देखनी है कैसी होती है। मतलब आई कैंट बिलीव यार, इतनी छोटी छोटी चीज़ों में इतने खुश हो जाते थे। और आज तो ना भाई, भगवान भी साक्षात उतर आए ना, तो भी पता नहीं खुश ही नहीं होते हम लोग। क्या हो गया ना हमें, पता नहीं क्या ही हुआ है हमें यार। इतना एडवांस भी नहीं होना था ना कि हम खुशियाँ ही भूल जाएं। खैर, ये पटरियाँ देख रहे हो, ये पटरियाँ ना कुछ समझाती तो ज़रूर है। ये कह रही हैं कि मंजिल का जो रास्ता है ना, वो कभी सीधा नहीं होगा, बहुत ही अटपटा रास्ता है, और आपको ना इसे पार करते हुए जाना पड़ेगा। यार, हमारी ज़िंदगी भी ना एक तरह से स्टेशन की तरह ही है। मतलब लोग तो बहुत हैं, पर अपना कोई नहीं है। मतलब यार, देखा जाए ना तो हर जगह इंसान ही इंसान है, जहाँ भी देखता हूँ लोग ही हैं। पर फिर सोचता हूँ ना, तो समझ आता है यार, मेरा तो कोई भी नहीं है। है ना, डीप हो गया, बहुत ज़्यादा डीप हो गया। कोई बात नहीं। और एक आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी ना हमें स्टेशन पे, क्या थी वो? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1 2 4 9 7 चंडीगढ़ से चलकर अमृतसर को जाने वाली शान पंजाब एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 14 से अपने निर्धारित समय से चलने वाली है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, ट्रेन नंबर 12497 फ्रॉम चंडीगढ़ टू अमृतसर शान पंजाब एक्सप्रेस इज़ अबाउट टू डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 14। यार, मुझे कोल्ड कफ हो रखा है तो वो बात नहीं आ रही है ना, दोबारा ट्राई करूँ क्या? एक सेकेंड, दोबारा ट्राई करती हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1 2 4 9 7 चंडीगढ़ से चलकर अमृतसर को जाने वाली शान पंजाब एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 14 से अपने निर्धारित समय से चलने वाली है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, ट्रेन नंबर 12497 फ्रॉम चंडीगढ़ टू अमृतसर शान पंजाब एक्सप्रेस इज़ अबाउट टू डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 14। थैंक यू। नॉट सो गुड, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। मतलब इतने खुश हो जाते थे ना आंटी की आवाज़ सुन के, भाई क्या कह रही है आंटी। और ये देखो, ट्रेन भी आ गई है हमारी। अब ट्रेन आ ही गई है तो फिर सफ़र भी शुरू होने वाला है। यार, अगर आप भी अपने आप से उब गए हो, पक गए हो, है ना, ऐसे बोर से हो गए हो ज़िंदगी से, तो सफ़र पे निकल जाओ। हो सकता है ये सफ़र ना आपकी ज़िंदगी सवार दे, बहुत बेहतरीन होते हैं ये सफ़र। मंजिल इतने खूबसूरत नहीं लगती जितने ज़्यादा खूबसूरत ये सफ़र होते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं ना कि दुनिया किस तरह से बदल रही है, तो यात्रा करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छे रहते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, तो घूमना ज़रूरी है ना। ट्रैवलिंग ना आपको बहुत कुछ सिखाती है। फिर बारी आती है विंडो सीट। भाई, विंडो सीट लपकने के लिए तो ना हम तैयार ही रहते हैं। विंडो सीट सबको अच्छी लगती है। वो कहते भी है ना कि मुझे ना शुरू से ही खिड़की के पास बैठना बहुत पसंद है, जैसे बाहर की दुनिया से एक नाता भी है और थोड़ी सी दूरी भी। वैसे सफ़र से रिलेटेड तो बहुत सारे गाने भी हैं, जैसे सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। और जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल सही बात है भाई, किसी ने नहीं जाना कल क्या होने वाला है। सो आज ही जी लो, आज ही इंजॉय कर लो, मज़े कर लो, जो भी है आज ही है। देर इज़ नो सच थिंग एज टमोरो। और एक सीरियस बात है यार, मेरे को ना एक चीज़ समझ में नहीं आती कि लोगों को ना ये रेलवे ट्रैक को ही क्यों क्रॉस करके जाना होता है। मतलब उन्हें पता है कि ये रिस्की है, डेंजरस है, फिर भी उनको यहीं से क्रॉस होके जाना है। क्यों भाई, ज़िंदगी प्यारी नहीं है आपको? है ना प्यारी, तो फिर क्यों करते हो ऐसे? आप तो चलो एक बार के लिए चले भी जाओगे, लेकिन आपके पीछे आपकी फैमिली है, उनके बारे में तो सोच लिया करो। मत किया करो यार ऐसे, मत किया करो। ज़िंदगी ना आपको एक ही बार मिली है, ये
पता नहीं कितने कष्ट भोग भोग के मिली है, तो कदर कर लो इसकी, मत किया करो ऐसे। और अगर आप बाई चांस भी ऐसा सोचते हो ना कि हाँ अच्छा है चलो हम तो मुक्त हो जाएंगे ज़िंदगी से, ये वो ना, ऐसा नहीं है। ये ज़िंदगी अगर आपकी चली गई तो फिर आपको दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, फिर आपको जीना तो है ही है, देखो जीना तो पड़ेगा। तो कोशिश करें कि हम खुश रहकर जी लें, ज़बरदस्ती नहीं है लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना यार खुश रहने की, है कि नहीं? मतलब ठीक ही बोला यार मैंने, कुछ गलत तो नहीं बोला। फिर आते हैं ट्रेन में ये चाय 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 गर्म गर्म चाय बिस्किट लो चाय गर्म गर्म चाय बिस्किट ब्रेड पकौड़ा वेज ऑमलेट ब्रेड पकौड़ा। पर इतनी लूट मचा रखी है ना इन लोगों ने, ये जो मतलब यहाँ पे डबल ट्रिपल रेट पे मिलते हैं सारी ये चिप्स और ये वाला जो सामान होता है ना वेफर ये स्नैक्स वगैरह। सो कोशिश करें अपना हेल्दी फूड जो है घर से कैरी करके चलें। सो दैट्स हाउ एन इंडियन रेलवे जर्नी लुक्स लाइक एंड आई प्रे फॉर ऑल योर जर्नीज टू बी सेफ एंड हैप्पी।